नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतना नर्सरी में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पुदीने की केयर और कैसे आप इसे अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास ये छोटे से पॉट पे पुदीने का पौधा है जिसे मैंने कटिंग से तैयार किया था। कटिंग से तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई भी कहीं पे भी आप पुदीना है, अगर किसी के घर में है या फिर आप नर्सरी से लेके आते हो, कहीं से भी आप ला रहे हो, तो पुदीने की कटिंग के लिए आपको इसको कम से कम 3-4 इंच दूर से इसे पिंच कर लेना है। पिंच करने के बाद उसे आप अपने घर पर लेके आइए। पॉट है अगर आपके पास तो पॉट में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगाना है आप इसे तो ज़मीन में लगा सकते हैं। ये सब जगह आसानी से तैयार हो जाता है। तो जब आप पुदीने की कटिंग लेके आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मिट्टी आपको कैसी लेनी है। मिट्टी आपको लेनी है 3 हिस्सों में। एक हिस्सा आपको नॉर्मल गार्डन आपका जो भी है या फिर जो भी मिट्टी आपके पास है अवेलेबल, नॉर्मल मिट्टी। एक हिस्सा इसमें बालू रिवर सैंड मिक्स कर दीजिए और एक हिस्सा बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आपके पास अगर अवेलेबल है तो उसे आप मिक्स करके लगा दीजिए और कुछ ही दिनों में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। 10-15 दिनों में ये एकदम घना होना चालू कर देगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ऐसे फैलता है, ये इसकी ज़मीन में ऐसे टच रहेगी, इसकी रूट जो है अंदर ही अंदर फैलती जाती है और पुदीने से नया नया पौधा जो है तैयार होता जाता है। ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, ये गर्मियों में इसे लगाने से बहुत जल्दी से ये ग्रो करता है। इसे लगाने के काफ़ी फायदे हैं। पुदीने की केयर में आपको बस क्या करना है कि इसे आप ज़्यादा पानी नहीं देना, इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मिट्टी में बस हल्का हल्का गीलापन है, इसे ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर आप इसे ज़्यादा पानी दोगे तो इसकी जो रूट्स हैं वो गलने लगेंगी और पुदीना धीरे धीरे आपका मर जाएगा, ब्राउन होकर वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। गर्मियों के मौसम में ये बहुत अच्छी तरह से तैयार होता है, इसलिए आप इसे गर्मियों में ही लगाएं। सर्दियों के मौसम में ये थोड़ा सा मरने जैसा लगता है, उस समय आप इसे क्या करें कि किसी छायेदार वाली जगह पर रखें। फरवरी मार्च आते आते ये दोबारा से ग्रो करना चालू कर देगा। और अगर आपका पुदीना ज़्यादा घना नहीं हो रहा है तो आपको बस क्या करना है, इसे थोड़ा थोड़ा सा पिंच करना है। पिंच करने से क्या है, नीचे से नई ब्रांचेस आती रहेंगी और आपका पुदीना जो है घना होता रहेगा। आप इसे अगर इसके ऐसे जो हैं बढ़ रही हैं तो आप इसे पिंच कर दीजिए। पिंच करने से ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ये देखिए, ये मैंने इसे पिंच कर दिया। इसे मैं अभी घर पे स्कंजी में यूज कर लूँगा या फिर और भी इसे कई तरीक़ों से यूज किया जा सकता है, आप जैसे चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी केयर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जैसे मैंने बता चुका हूँ कि इसे ज़्यादा पानी नहीं देना है और इसकी मिट्टी में हल्का हल्का मॉइस्चर होना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो इसके ऊपर कम से कम इतनी 1 इंच के आसपास गोबर की खाद डाल दीजिए, जिससे क्या है, गोबर की खाद से इसको तो न्यूट्रिएंट पोषण तो मिलता ही रहेगा, साथ ही साथ आपकी मिट्टी की जो नमी है वो भी लगातार बरकरार रह जाएगी। इसे पानी लगातार नहीं देना है, आप 1-2 दिन गैप करके दीजिए, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा डेली पानी दे सकते हैं, बस आप ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी हमेशा गीली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये पेड़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।